और इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड की 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। जहां उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान कराया जा रहा है। उत्तराखंड की जो कुल सीटें हैं वो 5 हैं, लोकसभा सीट 5 हैं, जहां उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान किया जाना है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उत्तराखंड की जो लोकसभा सीटें हैं 5, जिस पर पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार अल्मोड़ा सीट पर वोटिंग जारी है, तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर मतदान किया जा रहा है। इसी के साथ ही टिहरी गढ़वाल सीट पर भी लगातार वोटर्स जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हुए वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। बारी बारी से सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर लगातार मतदान जारी है। उत्तराखंड में एक ही चरण में ये मतदान करवाया जा रहा है। लोकतंत्र के पर्व का आज से आगाज हो चुका है, जिसके बाद से सभी मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सभी मतदान स्थल पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी वोटर को कोई परेशानी ना आए और वह अपने मत का प्रयोग आसानी से कर सके। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट यानी कि पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार अल्मोड़ा, इन तीनों सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके साथ ही नैनीताल यानी कि उधम सिंह नगर सीट पर और टिहरी गढ़वाल सीट पर वोटिंग जारी है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट पर लगातार वोटिंग जारी है। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से तो निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए थे कि प्रशासन अपनी ओर से सभी कड़े इंतजाम करे, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से इंतजाम करे कि मतदाता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और अपने मत का प्रयोग वह आसानी से कर सके। बता दें कि उत्तराखंड की 5 सीट पर मतदान आज होना है। मैदान में करीब 55 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और 83 लाख से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। 7:15 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान शुरू होने से पहले सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक पोल भी किया गया, जिसके बाद से 7:15 बजे फिर वोटिंग शुरू कर दी गई। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 83,37,914 मतदाता 55 प्रत्याशियों का भाग्य तय करने वाले हैं। आयोग ने मतदान बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य रखा है और इसी के लिहाज से अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए, यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में 61.50% मतदान हुआ था, जहां 5 सीटों पर मतदान के बाद 4 जून को जो है वो मतगणना होगी। सभी के परिणाम हमें 4 जून तक देखने को मिलेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता नरेश तोमर जुड़ गए। नरेश, आपसे जानेंगे कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट पर मतदान जो है वो जारी है और ये जो लोकतंत्र का पर्व है आज से जिसका आगाज हो चुका है, उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं, क्या कहेंगे मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है और क्या कुछ अपडेट है? दीक्षिका, देखिए आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में भी प्रथम चरण का चुनाव है और आप देखें कि 5 लोकसभा सीट जो है उत्तराखंड से है और सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। लोगों में काफी उत्साह है, सुबह 7 बजे से लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम सब जगह किए गए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध नजर आ रहा है। नहीं देखे तो कई ऐसी सीट है जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी कांटे की टक्कर है, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार एक एक और सीट मारने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी हुई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद हरिद्वार सीट से भाजपा से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे
वीरेंद्र रावत चुनाव मैदान में सिर्फ काटी सीधी टक्कर इस सीट पर, हरवा सीट पर दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए देहरून नैनीताल हल्द्वानी सब जगह सुबह से मतदान शुरू हो गया और जो लगातार जो खबरें आ रही हैं शांतिपूर्ण रूप से मतदान यहाँ पर दीपसी का शुरू हो चुका है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल नरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, जैसे कि कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को अपनी ओर से कई सुरक्षा के इंतजाम करने के कड़े निर्देश दिए थे, किस तरह की व्यवस्था वहां देखी जा रही है? जो कि देखा जाए तो भीषण गर्मी में, जहां भी गर्मी वाला जो क्षेत्र होता है जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, तो वहां किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वोटर्स के लिए? निश्चित रूप से दीपसी का उत्तराखंड में चुनाव कराना एक बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के साथ पर्वतीय क्षेत्र भी यहाँ पर देखा जा सकता है। कई पर्वतीय दुर्गम ऐसे स्थान है जहाँ पर चुनाव कराना एक प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि जिस तरह से पर्वतों में दूर दूर से काफी दूर ही तय करके वोटर वोट डालने जाता है और सुरक्षा के इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा मैदानी क्षेत्र में भी किए गए। बात करें उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल, इन सब क्षेत्रों में पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा सबसे कड़े इंतजाम किए गए हैं। काफी दूरी पर जो पोलिंग जो बूथ है वो पार्टी द्वारा बनाए गए हैं और प्रशासन द्वारा कड़े निर्देश दिशा निर्देश भी पार्टियों को दिए गए हैं कि किसी तरह के उपद्रव न करें, क्योंकि जिस तरह से चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम देखें उत्तराखंड में लगभग दो ही ऐसे दल हैं कांग्रेस और भाजपा, इनमें श्री टक्कर दिखाई देती है। हालांकि कई जगह जो छुटपुट दल है वो भी यहाँ पर अपनी साख को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपसिका बिल्कुल नरेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं जहां उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट पर लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5 लोकसभा सीट जो कि पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा सीट पर लगातार वोटिंग जारी है। नैनीताल, उधम सिंह नगर सीट पर भी मतदान जो है वो अपना जो मत का प्रयोग कर रहे हैं सभी वोटर्स, वे बारी बारी से पहुंच कर लगातार वोटिंग कर रहे हैं। ये सभी सीट, 5 लोकसभा सीट जो हैं, इन सभी पर मतदान जारी है।